ज्ञान मंत्र होम रेमेडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि सूर्य को जल देने का क्या महत्व है और सूर्य को जल देने से कैसे हमारा भाग्य पलट सकता है। दोस्तों, सूर्य को जल देना एक तरीके की ऐसी विधि है जो हमारे शास्त्रों में बताई गई है। इसका साइंटिफिक रीजन भी है और धार्मिक रीजन भी है, और सूर्य को जल देना हमेशा अच्छा माना गया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य को जल कैसे दिया जाए। दोस्तों, सूर्य को जल देने के लिए आपको तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरना है और उसमें रोली मिलानी है। थोड़ी सी रोली लीजिए, जल लाल हो जाए इतनी रोली लीजिएगा और रोली को मिलाइए। रोली के साथ साथ उसमें थोड़ा सा चावल डालिए। चावल के बाद उसमें थोड़ी सी चीनी डालिए और कपड़े के रूप में थोड़ा सा कलावा, उसमें कलावे का एक छोटा सा टुकड़ा उसमें डाल दीजिए और सूर्य को फिर आप जल चढ़ाइए। और सूर्य को जब आप जल चढ़ा रहे होंगे उस टाइम आप मंत्र का उच्चारण कीजिए, ओम सो सूर्याय नमः, और फिर एक बार गोल चक्कर लीजिए और फिर जो सूर्य का जो आपने जो जल चढ़ाया है उसको आप उंगलियों से छूकर अपनी दोनों आंखों पर लगाइए। दोस्तों, सूर्य को जल चढ़ाने के बहुत सारे फायदे हैं। सूर्य को जल चढ़ाने का सबसे बड़ा ये फायदा है कि सूर्य को जल चढ़ाने से हमारी आंखें भी तेज होती है, हमारी आईसाइट कभी भी वीक नहीं होती, हमारी आईसाइट हमेशा तेज रहती है। दोस्तों, तो जो सूर्य का जो जल चढ़ाने का महत्व है वो हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व माना गया है, क्योंकि सूर्य जो है वो प्रकाश देता है, सूर्य जीवन देता है और कुंडली में भी सूर्य को पिता के समान ग्रह माना बताया गया है। तो दोस्तों, सूर्य एक तरीके से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है हमारी कुंडली में भी, और जो लोग सूर्य को जल चढ़ाते हैं उनका सूर्य ग्रह जो है कुंडली में वो भी ठीक रहता है। अगर वो राहु के साथ ग्रसित है तो भी उसका राहु का निष्प्रभाव कम हो जाता है सूर्य को जल चढ़ाने के साथ साथ। दोस्तों, सूर्य का साइंटिफिक रीजन ये है जल चढ़ाने का कि अगर मान लीजिए जब हम जल चढ़ा रहे होते हैं तो जो सूर्य की सुबह सुबह की जो किरणें पड़ती हैं उस जल के माध्यम से जब हम सूर्य को देखते हैं जल चढ़ाते हुए उस जल की धार में से, तो जो किरणें पड़ती हैं सुबह सुबह जो धार से पास होके हमारी आंखों में, तो उससे हमारी आईसाइट तेज होती है, क्योंकि वो जो किरणें होती है वो छनके आती है उसमें से और वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारी बॉडी में लाती है। दोस्तों, तो ये मैंने आपको बताया कि जैसे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से भी सूर्य को जल चढ़ाना फायदेमंद है, सेहत के हिसाब से भी काफी फायदेमंद बताया गया है। और याद रखें कि जब भी आप सूर्य को जल चढ़ाएं तो जो सूर्य को जब जल चढ़ा रहे होते हैं तो उसका जो पानी होता है, जो जल चढ़ा रहे होते हैं उसका जो पानी होता है उसका छींट हमारे पैरों पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पैरों पे छींट आ गया तो इसका मतलब वो अभिमंत्रित जल जब हम चढ़ा दिया सूर्य को, हमने वो जल वो फिर हमारे पैरों पे जब छींटा आ रहा है तो वो अभिमंत्रित जल हमारे पैरों पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि उससे अपमान होता है सूर्य भगवान का। दोस्तों, आप लोगों को मैंने जो विधि बताई है सूर्य को जल चढ़ाने की, इससे आप लोगों को काफी फायदे मिलेंगे। और याद रखें कि सूर्य को हमेशा सुबह सुबह उगते हुए सूरज को जल देना चाहिए है, दोपहर को शाम को कभी भी जल ना चढ़ाए, ऐसा मना किया गया है हमारे शास्त्रों में। और कोशिश करें कि जब सूर्य उदय होता है उसके 2 घंटे में, सूर्य उदय होने के 2 घंटे बाद तक आप जल चढ़ा सकते हैं और उसका ज्यादा असर आपको मिलेगा। तो दोस्तों, बने रहिए ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज के साथ और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।